तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या है, ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में जानने के लिए हमें उसके बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, उसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन से बना होता है। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसके आउटर सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि दूसरे एटम से 4 आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है। लेकिन अगर हमें इसमें प्योर सिलिकॉन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसे पास नहीं होगा, क्योंकि यह प्योर सिलिकॉन है। और अगर हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है तो इसमें इम्प्योरिटी ऐड करना होगा। हम सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए 2 टाइप से इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पहला है पेंटावैलेंट, यानी कि जिस एलिमेंट पे आउटर सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरा ट्राईवैलेंट, यानी जिस एलिमेंट के आउटर सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ है एन टाइप और दूसरे तरफ है पी टाइप। तो चलिए सबसे पहले एन टाइप को समझते हैं। एन टाइप डोपिंग करने के लिए हमें फॉस्फोरस ऐड करना पड़ता है। फॉस्फोरस यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ एन टाइप डोपिंग कहलाता है। इसमें होगा क्या कि इसके आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स से 4 फॉस्फोरस के 4 आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएंगे, बाकी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। और यहाँ आप देखते हैं पी टाइप डोपिंग में, तो पी टाइप डोपिंग करने के लिए हमें यहाँ ऐड करना पड़ता है बोरॉन ऐड करेंगे। तो अब जैसे ही हम इसमें बोरॉन ऐड करेंगे, तो सिलिकॉन के यहाँ आउटर सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के आउटर सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इस पी टाइप डोपिंग में हमें एक होल्स मिलेगा, क्योंकि बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे और एक कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकेगा। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कैरीज हो जाएगा। और एक तरफ हमने देखा एन टाइप, यानी कि यहाँ निगेटिव चार्ज कैरीज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हमने जो एन टाइप और पी टाइप डोपिंग किया था उसे कंबाइन करते हैं, यानी कि अब एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। यानी कि हम एक तरफ रखेंगे एन टाइप और दूसरे तरफ हम रखेंगे पी टाइप। अब देखते हैं इसके कॉम्बिनेशन बनाने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एन टाइप और पी टाइप जंक्शन बनाया है। अब इसमें क्या होगा, एन टाइप के तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी टाइप के तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, यानी होल्स ज़्यादा हैं इसमें। अब इन दोनों के मिलने से यहाँ डिप्लीशन लेयर बनेगा। अब इस डिप्लीशन लेयर में क्या होता है इसे देखते हैं। तो इस डिप्लीशन लेयर में क्या होगा कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और दूसरे तरफ होल ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। अब हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ होगा क्या, इस लेयर के तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स की तरफ जाकर अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी कि सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल पे जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इस डिप्लीशन लेयर पे कोई चार्ज कैरीज नहीं होगा। तो फ्रेंड, चलिए अब हम इसे पीएन जंक्शन से अब पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ डायोड का साइन है, एक तरफ नेगेटिव है और ये जो एरो साइन हो रहा है ये करेंट का डायरेक्शन शो करता है। ये इस एरो का मतलब ये है कि करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस कॉम्बिनेशन से बना है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें मैंने कनेक्शन किया है, एक बैटरी लगाया है, यानी सेल लगाया है यहाँ। इसके पॉजिटिव साइड में हमने लगाया है बैटरी के पॉजिटिव साइड, और निगेटिव साइड में हमें बैटरी के निगेटिव साइड से अटैच किया है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक तरफ है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, दूसरे तरफ होल ज़्यादा है। अब बैटरी में एनर्जी है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से पीएन जंक्शन से निकलेगा और दूसरे साइड होते हुए होल्स को फिल करते हुए ये बैटरी के टर्मिनल तक पहुंचेगा, इससे ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो हम इस केस को कह सकते हैं, इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस डायोड है ये। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम रिवर्स्ड बायस को देखते हैं, ये कैसे काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एन टाइप है तो एन, और इधर है पी टाइप। अब ये जो एन टाइप है, इधर हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड को अटैच किया है, और इधर जो पी टाइप है यहाँ बैटरी के हमने नेगेटिव साइड को अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ जो एन साइड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच किया हमने, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड ये सब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे मिल जाएगा, और इधर जो पी साइड पे जो होल्स हैं यानी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इससे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
तो इसमें ये इसे हम कह सकते हैं ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि डायोड कैसे काम करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना। अब हम चलते हैं उस डायोड के कॉम्बिनेशन से बने ट्रांजिस्टर के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल ही है, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि हमने दो पीएन जंक्शन को सैंडविच किया है एक साथ। तो इसमें आप देख सकते हो ये हो गया NPN, हमने N टाइप, P टाइप और N टाइप को एक साथ मिलाया है। तो इस केस में हम इस ट्रांजिस्टर को कहेंगे NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, NPN और PNP। तो अभी हम बात करने वाले हैं NPN ट्रांजिस्टर के बारे में। तो अभी हम इसमें इसके एक PN जंक्शन में हम एक सेल लगाएंगे जो कि फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो इस केस में यहाँ करंट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड बायस में फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। लेकिन हम यहाँ से यहाँ अगर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से एक और हमें सेल ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से फॉरवर्ड बायस में ये एक्ट करेगा और यहाँ से निकल के फ्लो होगा, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। अब हमने यहाँ दूसरा सेल लगाया है, यहाँ से जो दूसरा सेल जो लगा है जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो होकर ये इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए सर्किट को पूरा करेगा। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो एन टाइप जो सिलिकॉन है ये ज़्यादा हाईली डोप्ड है, और जो बीच में जो पी टाइप सिलिकॉन है यानी पी टाइप, ये लाइटली डोप्ड है, ये बहुत कम डोप्ड। अब इसे पॉजिटिव चार्ज से समझते हैं। यहाँ हमने सेल लगाया, अब ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करेगा यहाँ, लेकिन फॉरवर्ड बायस काम करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम फ्लो होंगे, क्योंकि यहाँ जो ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप डोप्ड है, ये बहुत थिन डोप्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वजह से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बहुत कम फ्लो होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से राइट साइड में फ्लो होके यहाँ से बैटरी से सर्किट पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है यानी कि जो पी टाइप जो यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत लो डोप्ड होता है, इस वजह से ये शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।